ये देखिए, अब तो कमर रही नहीं, जब ये बच्ची पैदा हुई थी तो ये कमर थी, अब कमरा बन चुकी है, लेकिन इट्स अमेजिंग ये लड़की लिटरली हमारे सामने पैदा हुई है और आज इसको हम स्टेज पर देखने आए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत मुबारकबाद है। और किसी ज़माने में जब ये कमरा नहीं था तो हम भी डांसर थे। अच्छा लग रहा है, एक नृत्य का परफॉर्मेंस देखने आके बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, बहुत पसंद है और करने की कोशिश भी की थी, लेकिन आंगन जरा टेढ़ा था तो क्लासिकल तो कर नहीं पाए, बॉलीवुड ही करते रह गए। बट क्लासिकल का एक अलग चार्म है और खासकर ओडिसी तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही सौम्य शैली है और देखने में बड़ा मज़ा आता था। हमारे दिल्ली में मित्र थे, लीला सैमसन जी थी, बिरजू महाराज जी थे, उन लोगों को हम देख के ही बड़े हुए हैं और आज छोटी सी बच्ची को देखने का आनंद ही कुछ और है। हाँ हाँ, शिव जी को ही करते देखा है, हर शिवरात्रि में करते देखा है। और तांडव तो जैसे मैंने अभी अभी कहा कि ओडिसी बहुत जितना सॉफ्ट शैली है, तांडव उतना ही विकट और विभत्स रूप है शिव जी का। और बच्ची कर रही है तो अच्छा ही करेगी। और ये तांडव आमतौर पर लड़कियाँ ही करती हैं, सिर्फ शिव जी बदनाम होते हैं कि तांडव शिव जी करते हैं, लड़कियाँ ही तांडव करती हैं। बीवियों से पूछिए, बहनों से पूछिए, बेटियों से पूछिए, तांडव ही तांडव होता है, हर घर में होता है, हमारे घर में भी होता है और आज यहाँ स्टेज पे होगा। जी देखिए, पहली मन्नत तो मैं जो हर नवरात्रि में मानता कि मेरी शादी हो जाए, अभी तक शादी ना हुई मेरी है, तो कोई तो डांडिया खेलते खेलते कहीं मिल जाए किसी नवरात्रि में। लेकिन उसके अलावा वैसे हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि शुरू हुई काम से हुई, सारा दिन शूटिंग किया जो कि एक बहुत ही शुभ संदेश लाता है, लेकिन काम के साथ साथ थोड़ा डांडिया खेलने को भी मिले तो ज़्यादा मज़ा आए। शाम बहुत अच्छी है क्योंकि बिटिया का डांस देखने आए हैं और उसके अलावा हम अमन सुख शांति की ही हम प्रार्थना कर सकते हैं कि नवरात्रि को एंजॉय करने दिया जाए, पुलिस वाले ज़्यादा हैरान ना करें, मम्मी पापा बच्चों को खेलने दें, 50 बार उनको व्हाट्सएप करके ना पूछे कि कहाँ हैं, अमर जूस सेंटर में होंगे सारी रात जूस पीते हुए और कहाँ है। नमस्कार, मेरा नाम आशीष रॉय है और नवरात्रि के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब डांडिया खेलिए, खूब जूस पीजिए अमर जूस सेंटर में, लेकिन रिस्पॉन्सिबली जो भी करें रिस्पॉन्सिबली करें और सही वक्त पे घर पहुँच जाएँ क्योंकि हालात